Myself as Sunil Kumar from Institute of Medical Sciences BHU and you are watching ASS Tutorials. तो ये वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन प्रॉब्लम जो काफ़ी लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, कमेंट में भी देख रहा था काफ़ी लोगों का वो क्वेश्चन था क्या कि मतलब हम जो एक बार याद करते हैं, मान लीजिए जो लर्न कर लिए हैं वो कुछ दिन के बाद क्या होता है, फिर से गायब और लगता है कि से कुछ पढ़े ही नहीं है, ऐसा होता है। तो ऐसा सबके साथ होता है। पहला पॉइंट तो इसलिए घबराना नहीं है ऐसा, ठीक है। हर कोई टॉप किया है उसके साथ भी एक चीज़ होती रहती है, आपके साथ भी हो रहा है, तो कोई ये अलग चीज़ नहीं है। पहला पॉइंट इससे आपको घबराना नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसको ओवरकम कैसे करेंगे, तो इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, एक ही इंस्ट्रूमेंट है, रिविज़न, ठीक है, रिविज़न प्लान, ये एक ही तरीका है। और रिविज़न को कैसे करना है आपको, वीकली संडे बेसिस वाला जो मैं बताया था दो तरीका है, ठीक है। तो आप रिवीजन जितना करोगे ये जो भूले हुए चीज़ उसको रोक सकते हो। पहला तो तरीका ये है रिवीजन करना, मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको अच्छे से। दूसरा तरीका क्या है आप इस भूलने का, कि जो पढ़ो आप फर्स्ट टाइम ही कंसेप्चुअली पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है, कंसेप्चुअली एंड ट्रिक वाइज। ट्रिक मतलब स्टोरी वाइज ट्रिक, ऐसा नहीं कि न्यूमोनिक ए बी सी डी ऐसा करके नहीं, जो मैं जैसा ट्रिक मैं बता रहा हूँ वैसा पढ़ा, कोशिश करो बनाने का, पढ़ने का। उससे क्या होगा, चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेगी। और फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे पढ़ो, कंसेप्चुअली। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप यदि कंसेप्चुअली पढ़ते हो, और आपका जो बायो है वो यदि आप ट्रिक से स्टोरी से याद करोगे तो थोड़ा सा लंबा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट मॉकअप करना, रट लेना बिना कुछ समझे हुए वो गलत होगा। तो हर चीज़ों को कोशिश क्या करना, आपको समझना है पहले, ठीक है, उस चीज़ों को समझो, जो चीज़ दिया है उसको समझो कंसेप्चुअली, या उसके बाद यदि बायोलॉजी है ये उसको भी समझो, उसके बाद कुछ ट्रिक्स बनाओ, ऐसा स्टोरी बनाओ जैसे कि आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए रिटेन रहे। ये दूसरा तरीका है। पहले तरीके पर आते हैं रिवीजन। आपको जैसे मान लीजिए आप एक महीना पहले आपका रे ऑप्टिक्स खत्म हुआ, तो उस रे ऑप्टिक्स को एक महीने के बाद जरूर एक बार रिवाइज करो, एक महीने के बाद एक बार जरूर रिवाइज करो। मीन्स कि आप मान लो ये मान लीजिए एक महीने पहले ख़त्म हुआ था, मैंने जुलाई में ख़त्म हुआ, ठीक है। तो अब अगले जो 7 दिन आने वाले हैं उसमें आप रे ऑप्टिक्स रिवाइज करो, पर डे 1 से 1.5 घंटे रे ऑप्टिक्स को दो, एक दो दिन में पहले क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, फिर देखो जो प्रॉब्लम जो पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रहा है उस पार्ट का थ्योरी पढ़ लो। मैंने बताया था फिजिक्स में आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, शॉर्ट नोट्स से थ्योरी रिवाइज कर लो, उसके बाद जो प्रॉब्लम आपको जिस पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते समय उस पार्ट को आप फिर से जो बड़ा अपना आपका मेन नोट से उससे रिवाइज करो, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ पहले आप, यदि आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, टॉपिक काफ़ी वीक है, तब आपको क्या करना है, पहले आपको नोट्स फिर से पढ़ना है। तब यदि आप डायरेक्टली क्वेश्चन करने जा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए दो 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 अलग अलग मैं कर दिया, इसलिए आप मत पूछना कि मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। यहाँ से सुन लो मैं क्या बोला, यदि आपका फिजिक्स काफ़ी कमज़ोर है, वो चैप्टर आप पूरा भूल चुके हो, साफ 0/0 हो गया है रे ऑप्टिक्स जो आपको एक महीने पहले पढ़ाया गया, तो तब आपको क्या करना है, तब आपको नोट्स जाकर रिवाइज करना है, ठीक है, तब आपको क्वेश्चन करने के लिए जाना है। यदि लगता है कि नहीं मैं टॉपिक याद है, सब कुछ मैक्सिमम चीज़ें याद है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने जाना है, और क्वेश्चन बनाते समय आपको देखना है कि आप कहाँ फंस रहे हो, कहाँ अटक रहे हो, तब आप उस पार्ट को बस थ्योरी रिवाइज करो। और सेकेंड वाले केस में आप शॉर्ट नोट्स तो बना रखे होगे फिजिक्स का, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। ये दूसरा तरीका है कि आप उस चीज़ को रिटेन कर सकते हो, क्योंकि कम से कम एक चीज़ को आपको 3 से 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको 100% आपका हो पाएगा वो, ठीक है। फिजिक्स को कम से कम हर चैप्टर आप कोशिश करोगे 3 से 4 बार एटलीस्ट रिवाइज हो जाए नीट से पहले, 4 times कम से कम आप उस टॉपिक को कवर कर लो। बायोलॉजी में NCERT कम से कम 10 बार पढ़ लो, 10 से 15 बार पढ़ लो आप, ठीक है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक NCERT है उसको 2-3 बार पढ़ो, आपका जो मॉड्यूल है जो ये सब है उसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। जो वीडियो में बना रहा हूँ आपको ऑर्गेनिक के लिए जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जितने भी वीडियोज फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसको तो ब्लाइंडली फॉलो करो आप, ठीक है। वो एकदम LN के टॉप टीचर्स वैसे सर्वोत्तम के उनका कंटेंट है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाला वो, तो उसको फॉलो करो। उसके बाद अपना NCERT साथ में पढ़ते रहो, थोड़ा सा रिवीजन को मैनेज करो अच्छे से, ठीक है। कोई भी चीज़ डायरेक्ट मगअप मत किया करो, उसके बारे में सोचो कि कहाँ से आया कैसे आया। ये दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। यदि किसी चीज़ को रिटेन करना है ज़्यादा, तो आप क्या करो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आप देखोगे फ़ायदा होगा। मतलब आप यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो ना किसी चीज़ का, तो वो रिटेन काफ़ी लंबा समय तक रहेगा। बस समझ ना, थ्योरी पढ़ना अलग चीज़ है, क्वेश्चन लगाना अलग चीज़ है। यदि क्वेश्चन लगा लेते हो किसी चीज़ का, थ्योरी पढ़ लिए, मान लो प्लांट ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिए हो, आप प्लांट ग्रोथ का जो है क्वेश्चन लगा लो 100 क्वेश्चन, तो चैप्टर आपका हमेशा के लिए 100% आपका हो जाएगा वो,
वसुंधरा 100% आपका हो जाएगा वो टॉपिक, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा वो टॉपिक, ठीक है, आप काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। तो तीसरा तरीका ध्यान रखना है कि काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। चौथा फिजिक्स के रिवीजन के लिए, ऐसे मैंने बोल ही दिया, शॉर्ट नोट्स काफ़ी काम के होंगे, ठीक है, फिजिक्स रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स काफ़ी काम के होंगे, तो शॉर्ट नोट्स बनाना जरूर फिजिक्स के रिवीजन में। केमिस्ट्री के लिए मैं बोला था आपको एलएन का हैंडबुक व्यवस्था कर लो कहीं से, और बायोलॉजी के लिए पूरा एनसीईआरटी पढ़ना, बायोलॉजी में कोई शॉर्ट नोट्स काम नहीं करेगा, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए एलएन का हैंडबुक बेस्ट है, तो आपको केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट बनाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स सिर्फ किसका बनाना है, फिजिक्स का बनाना। अच्छा, मैंने यहाँ लिख दिया केमिस्ट्री का एलएन का हैंडबुक, आप 10 से 50 लोग ऐसे थे जो हमको मैसेज कर रहे हैं कि भाई एलन का हैंडबुक दिलवा दे, तो आप खुद सोचो कि मैं कहाँ से दिलवाऊंगा, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, एलन कहाँ है, वहाँ से मैं जाऊँ लेके आऊँ कहीं से मंगवाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं है यार। आपके पास टाइम है ना, आप अभी तैयारी कर रहे हो, आपके पास अभी आप इसी से जुड़े हो, तो आप खुद इसका व्यवस्था करो, ठीक है। मुझे मैसेज मत करना कि एलन का हैंडबुक व्यवस्था करवा दो, लेकिन आप कहीं से भी कर लो एलन का हैंडबुक, इट्स मस्ट। केमिस्ट्री का रिवीजन करना है तो एलन का हैंडबुक ले लो आप, और फिजिक्स के लिए आप प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बनाया करो, मैं फिर बोल रहा हूँ फिजिक्स के लिए प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बनाया करो अपने से, ठीक है। फिजिक्स का रिवीजन शॉर्ट नोट से करो, तब पोर्शन लगाना। तो ये चार टेक्निक को फॉलो करो आप, रिवीजन वीकली संडे वाला प्लानिंग को फॉलो करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कर रहे हैं मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे लेवल पर अच्छे खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ये वही अपने टारगेट 30+ है, ठीक है। इसको किस तरह अचीव करो टारगेट 30+ को, कोशिश करो को पूरा करने का, ठीक है। फिर कंसेप्चुअली और थोड़ा सा ट्रिक वाइज चीज़ों को पढ़ो ताकि आपको लंबा रिटेन हो, और शॉर्ट नोट से रिवीजन बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट नोट से रिवीजन बहुत ज़रूरी है, वो आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन कराएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करो तो आपको दिखेगा कि भाई कुछ दिन के बाद आपका भूलना कम होगा। देखो भूलना, देखो किसी भी चीज़ को मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कैसे करता है, पर होगा अगले साल जब हम बार बार एक ही चीज़ को स्टिमुलस देंगे, बार बार एक ही चीज़ करेंगे, तो देखते हैं ना, बार बार यदि एक चीज़ करोगे आप तो वो चीज़ आपके मेमोरी में हमेशा के लिए सेटअप हो जाता है, बात समझे ना, तो बार बार पढ़ो एक चीज़ को तो आपको मेमोरी में आपका सेटअप हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि आप उस चीज़ को कुछ स्टोरी से कुछ इमोशनल स्टिमुलाई से अटैच कर दो तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। जैसे आपको दो एग्जांपल देता हूँ मैं, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि देखो पहला एग्जांपल क्या, आपको आप बचपन में जब थे तो आपके पेरेंट्स बहुत बार आपको थप्पड़ मारते थे, ठीक है, लेकिन वो सारे थप्पड़ आपको याद नहीं है। लेकिन यदि मान लो आपको भरे बाजार में कोई थप्पड़ मार देता है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको थप्पड़ मारती है भरे बाजार में, या आपको कोई आपके दुश्मन कोई थप्पड़ मारता है भरे बाजार में, तो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद होगा। क्यों? क्योंकि वो जो स्टिमुली है ना, जो थप्पड़ लगा बाजार में, वो इमोशनल स्टिमुली है, मतलब आपका आपको अंदर तक लग गया, दिल तक लग गया, सबके सामने आपको थप्पड़ मिला है, तो वो हमें वो अपमान आपको हमेशा के लिए याद होगा। लेकिन जो घर में लगता है वो याद नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो आपके इमोशनल मतलब आपके दिल पर नहीं लगा। बस यही आपको चीज़ फॉलो करना पढ़ाई में, पढ़ाई आपको दिल पर लगाना है, ठीक है, मतलब आपको जो भी चीज़ याद करना है उसको दिल से जोड़ देना, मतलब किसी न किसी तरह से आपको ऐसे रिलेट करना है ताकि आपको हमेशा आपके लिए मतलब वो मन में समा जाए आपके, ठीक है, तो आप नहीं भूलोगे। लेकिन यदि सुपरफिशियली पढ़ोगे तो फिर वो आप भूलते चले जाओगे। तो कोशिश करो कि हर बायोलॉजी को आप स्टोरी या इससे रिलेट करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे को कंटेंट को करवा दूँ यार, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आप ऐसा थोड़ा सा करो तो आपको देखेगा कि आप जो आपका बैकलॉग है, आपको जो रिवीजन में परेशानियाँ रहे, आप जो भूल जा रहे हैं वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाना, एक कम से कम एक या दो लोगों से जरूर शेयर करना भाई, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, आपका श्योर सिलेक्शन होगा, 100% यू विल बी सिलेक्टेड।